हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। पिछला हमारा जो टॉपिक था फ्रेंड्स, मलेरिया का डिटेल ट्रीटमेंट हमने देखा है। आज मैं इंजेक्शन क्लोरोक्विन और इंजेक्शन अल्फा बीटा थायरेथ्रिन इंजेक्शन एमल जिसका नाम है, ये दो इंजेक्शन की मैं जानकारी और एक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। होप ये फार्मूला आपको बहुत काम आए आपके जनरल प्रैक्टिस में और पेशेंट को भी ये फार्मूला बहुत अच्छा रिजल्ट करे। तो दोस्तों, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, निवैक्विन पी एबॉट इस कंपनी का इंजेक्शन है, 30 ml का वाइल है और इसके ईच ml में 64.5 mg इतना क्लोरोक्विन फॉस्फेटिक कंटेंट है फ्रेंड्स। तो हमें काम करना है, 5 cc की सिरिंज लेना है, उसमें जो है हमें 5 cc क्लोरोक्विन को विड्रॉ करके लेना है वायल में से। फिर हमें पेशेंट को ये इंट्रामस्कुलर देना है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हम जैसा बताते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एक वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने डॉर्सोग्लूटिस और वेंट्रोग्लूटिस रीजन के बारे में आपको डिटेल बताया फ्रेंड्स। तो ये इंजेक्शन हमें देना है वेंट्रोग्लूटिस रीजन में, जहाँ पे ग्लूटिस मसल अच्छी है, डेवलप हुई है, वहाँ पे हमें देना है फ्रेंड्स 5 cc ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। जैसा आप ये पिक्चर में देखे भी होंगे तो यहाँ पे बताया है कि क्लोरोक्विन ओनली फॉर IM इंजेक्शन। तो 5 cc क्लोरोक्विन या लैरिगो देने के बाद आपको जो है फ्रेंड्स 5 से 6 घंटे के बाद क्लोरोक्विन टैबलेट देना है, 250 mg के दो क्लोरोक्विन टैबलेट, टोटल डोज 500 mg। तो निवैक्विन, रिसोचिन या लैरिगो ऐसे टैबलेट के ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, तो इसमें से कोई भी एक टैबलेट जो है आप 500 mg पेशेंट को 5 से 6 घंटे के बाद दे दीजिए फ्रेंड्स। तो ये हुआ पहले दिन का डोज, दूसरे दिन उसको 250 mg के टैबलेट जो है BD डोज में दे, तीसरे दिन भी वही BD डोज, चौथे दिन भी BD डोज और पांचवे दिन भी BD डोज। तो ऐसा करते करते सर फ्रेंड्स, ये जो है क्लोरोक्विन का डोज सक्सेसफुल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा बताया हमें, पहले दिन 5 cc इंजेक्शन, फिर 5 से 6 घंटे के बाद 500 mg के दो एक टैबलेट या 250 mg के दो टैबलेट, दूसरे दिन से 250 mg का BD, ऐसा स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। मलेरिया में क्लोरोक्विन या बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है क्लोरोक्विन का फ्रेंड्स। क्लोरोक्विन का जैसा मैंने एक दूसरा टैबलेट भी बताया था, एक क्लोरोक्विन टैबलेट का किट भी मिलता है जिसको बोलते हैं लैरिगो DS किट। जब आप इंजेक्शन नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ टैबलेट पे कवर करना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको फ्रेंड्स 4 टैबलेट मिलेंगे, टोटल 5 रहेंगे। पहले दिन जो है 1000 mg के स्टार्ट 2 टैबलेट देना है, 500 mg के दो, फिर फॉलोड बाय 6 घंटे के बाद 500 mg का एक टैबलेट दे। टोटल डोज जो हुआ फ्रेंड्स वो हुआ 150 mg, दूसरे दिन 500 mg, तीसरे दिन 500 mg। ऐसा करके ये लैरिगो DS की किट भी हम पेशेंट को देते हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको इंजेक्शन लैरिगो के बारे में बताया है, मैं अभी आपको जो है एक दूसरे एक उसी तरीके के एक दूसरे एक इंजेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इंजेक्शन ईमाल और उसका कंटेंट है फ्रेंड्स अल्फा बीटा आर्थ्रिटर। जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर इंजेक्शन ईमाल ये इंजेक्शन दिख रहा है आपको, इसका कंटेंट है अल्फा बीटा आर्थ्रिटर और ये कॉम्प्लिकेटेड या जो डिफ़िकल्ट मलेरियल केस होते हैं जिसमें ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वैसे केसेस में ये ईमाल इंजेक्शन जो है ये बहुत ही कारगर और रिजल्टेबल इंजेक्शन है फ्रेंड्स। ये जो है प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम ऐसे केसेस जो रहते हैं, जो लास्ट स्टेजेस के मलेरिया के केसेस हैं, वैसे केसेस में ये इंजेक्शन का जो है एक्सीलेंट रिजल्ट है। ऐसे केसेस जिसमें टाइफाइड है या मलेरिया है डायग्नोस नहीं हो रहा, वैसे केसेस में ये इंजेक्शन ईमाल जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है फ्रेंड्स। ऐसे केसेस जिसमें 1 महीने से फीवर है, जो फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में ये इंजेक्शन ईमाल जो है ये बहुत ही बढ़िया एक रिजल्ट देता है फ्रेंड्स। इसका कंटेंट अल्फा बीटा आर्थ्रिटर है जैसा मैं बताया आपको। ये जो है फ्रेंड्स 2 ml का एम्पुल होता है, इसके ईच ml में 75 mg तक कंटेंट है, तो 2 ml में 150 mg इतना अल्फा बीटा आर्थ्रिटर कंटेंट है फ्रेंड्स। और ये एक्सीलेंट एक्सीलेंट ऐसा इंजेक्शन है, इसको लगातार हमें 3 दिन देना होता है और इसका डोज जो है 150 mg OD है।
कमर में डेली वन इंजेक्शन, ऐसे 3 दिन 3 इंजेक्शन हमें कमर में लेना है फ्रेंड्स। तो ये इंजेक्शन अगर आप लेंगे तो आपका कोई भी प्रकार का फीवर जो है फ्रेंड्स सबसाइड हो जाएगा। ये इंजेक्शन लेते वक्त सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप जब भी ये इंजेक्शन लाए तो 3 एम्पुल एट ए टाइम फ्रेंड्स लेकर आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपको 1 एम्पुल मिलता है और दूसरे 2 एम्पुल नहीं मिलते टाइम पे, या कभी कभी 2 लेते हैं और आप एक डोज मिस होता है। अगर आपका डोज मिस हो गया फ्रेंड्स तो आपका ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं होगा फ्रेंड्स। वैसे ही मलेरिया की ट्रीटमेंट में जो क्लोरोक्विन इंजेक्शन बताया है, इंजेक्शन लेने के बाद आपको 250 mg की 2 टैबलेट 5 आवर्स या 6 आवर्स के बाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो वहाँ पे भी आपका ट्रीटमेंट दोस्तों ये फेल हो सकता है फ्रेंड्स। तो जैसा यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स, मलेसिस ये भी नाम का इंजेक्शन एमाल की जैसा ये इंजेक्शन है, ये भी जो है प्लास्मोडियम फाल्सीफेरम सेरेब्रल मलेरिया अननोन फीवर ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होते हैं ऐसे केसेस में ये इमाल का बहुत अच्छा रोल है फ्रेंड्स। दोस्तों आपको आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है इसको शेयर करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।